हेलो एवरीवन, दिस इज अरिंदर साहू फ्रॉम किंग रिसर्च। आप लोगों का स्वागत है एपिसोड नंबर 26। कल की बात आज, यानी कि एडवांस निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स देता हूँ स्टॉक सिलेक्शन। कुछ 4 से 5 स्टॉक सिलेक्शन देता हूँ जिसके बेस पे एक दिन पहले हम एडवांस में प्रिडिक्शन करते हैं, जिससे कि कल मार्केट में, कल जब 9:15 पे मार्केट खुलेगी तब हमें क्या ट्रेड कर रहा है, हम उस चीज के बारे में बात करना चाहते हैं, राइट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, 21 तारीख, आज तारीख है 20, यानी कि रात का टाइम है, रात को 12:11 हो रहे हैं, क्लास चल रही थी इसलिए मैं लेट हो गया वीडियो बनाने में। आज रात को हम डिस्कस करेंगे कल किन लेवल्स पे निफ्टी पे ध्यान रखना है, बैंक निफ्टी ध्यान रखना है और क्या क्या स्टॉक सिलेक्शन रहेंगे। उससे पहले जरा सा रिकैप कर दूंगा, जो हमने कल हमने वीडियो बनाया था और आज मॉर्निंग में ट्रेड हुए थे, मैंने आपको लुपिन, भारत फॉर इंडस्ट्रियल बैंक, डिवीज लैब, सेंचुरी टेक्सटाइल्स, कॉल्स आर नॉट एक्टिव, ये 5 स्टॉक्स में मेरा कॉल्स एक्टिव नहीं हुआ है। अरोबिंदो, यस, डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, स्टॉप लॉस हिट अरोबिंदो का, हमारा स्टॉप लॉस हिट। हिंद पेट्रो, मैंने आपको बोला था बाउंस बैक देगा तो हमें सेल करना है, 2 लेवल दिए थे, तो जो पहला लेवल और दूसरा लेवल है, मार्केट क्या हुआ, थोड़ा सा बाउंस बैक हुआ, मार्केट क्या हुआ, जो 2 लेवल दिए थे, क्या लेवल दिए थे आप जाके चेक कर लेना, यहाँ पे मैंने बोला था सेल करने के लिए और थोड़ा बाउंस बैक देगा यहाँ पे सेल करना, तो हमने एक लॉट यहाँ पे सेल किया और अगर आपने होल्ड करके रखा दूसरा लॉट यहाँ पे सेल किया तो ऑलमोस्ट मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया है। तो ऑलमोस्ट 1 रुपए का जो 4 रुपए का हमारा एक लॉट पे नुकसान होता है, या फिर कैश में जो भी आप रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट के हिसाब से आप ट्रेड कर रहे हो उसके बेसिस से हमारा लॉस हो गया, 4 रुपए का हिंद पेट्रोल में चले गया। मेरे भाई लाइव लिख रहा हूँ, सिप्ला फायर, सिप्ला में हमें टारगेट मिला 596 के नीचे गया। सिप्ला का भी चार्ट अगर आपके सामने लगाना चाहूं तो मैं देख लेता हूं मेरे भाई सिप्ला में क्या हुआ है। सिप्ला ये देखिए लाइव चार्ट में आपके सामने दिखा रहा हूं कैसे हम काम करते हैं, किस तरह से काम करते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इस चीज को। सिप्ला का ये चार्ट लगाया, 5 मिनट का चार्ट लगाया क्योंकि आपको बेसिक लॉजिक मेरा मालूम है, 5 मिनट का कैंडल लो या हाई ब्रेक करेगा तभी काम करना है। सिप्ला का मैंने दिया था 596 के नीचे ठोकने का, देखो 5 मिनट का कैंडल है, ओपन हुआ 598.99 के आसपास, 596 पे ठोका था, क्या आपने खुलते ही साथ ठोक पाए 596 पे, ठोक पाए भाई, ठोक भी पाए होंगे, नहीं भी ठोक पाए, काम नहीं करना है, कब काम करना है सिंपल सा लॉजिक समझो, 5 मिनट का पहला कैंडल क्लोज होने का वेट करो, उसके लो के नीचे ही काम करना है। अब देखो आप सर, ऑलमोस्ट 598 से पहला ही कैंडल 585, ऑलमोस्ट 13-14 पॉइंट का पहले ही 5 मिनट में कैंडल में काम हो गया है, क्या इसमें अब ट्रेड करना बनता है, बिल्कुल नहीं बनता है। तो सिप्ला को भी मैं यहां पे लिख दूंगा क्लियर कट आपके सामने, सिप्ला नो ट्रेड, वो भी अवॉइड कर दो आप, ये एक्टिव तो हुआ है लेकिन हमें इस पर ट्रेड नहीं करना है क्योंकि लॉजिक मैंने आपको बताया, आगे चल के इस लॉजिक पर ध्यान रखना। चलो, जो ये मेरे ट्रॉलर्स कह रहे थे हमारा एसएल हो गया, मेरे भाई कॉल एक्टिव ही नहीं हुई तो कहां से एसएल हो गया, और अरोबिंदो एक एसएल हुआ है, हिंद पेट्रोल में 4 रुपए का नुकसान हुआ है, बाकी हमारा कोई कॉल एक्टिव ही नहीं हुआ तो कहां से एसएल हो गया मेरे भाई, सिंपल सा दिमाग लगाओ। चलो, तो कल का जो निफ्टी का रडार पे रहेगा, निफ्टी फ्यूचर्स के लेवल दे रहा हूं, यस बिलो 9230 शार्प इंट्राडे पैनिक विल फॉल हैपन अप टू 9170-9147, वंस ब्रेक बिलो 419140 एंड स्टे बिलो दिस लेवल स्लाइड अप टू 9070-9030, यस अराउंड 9070, ध्यान से समझ रहा, 9070-9030 के आसपास मैं बाई करने का सोचूंगा, मैं बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं हूं लोअर लेवल पे सेल करने का, तो 9070-9030 इसके आसपास आएगा तो मैं सिर्फ बाई का सोचूंगा, बात खत्म। बाई साइड में पोजीशन ज्यादा है इसलिए रेंज बाउंड करके निकालेगा सबको, ध्यान से समझ रहा, लॉजिक मैं लिखा दिया हूं, बाई साइड में आप सब लोग गलती से हमारे कहने पे या किसी के कहने पे अगर बाइंग साइड में बैठ गए हो, लोअर लेवल पे आपने बाइंग एक्युमुलेट करके आप बैठे हुए हो तो पहले वो आपका माल निचोड़ रहा है, पहले आपको डरा डरा के निकाल रहा है, जैसे ही आप निकालोगे मार्केट में बूम हो जाएगा। सो कीप आई ऑन 9356-9370, अगर ये लेवल हमारा टूटता है नॉन स्टॉप रैली आपको मैं दिखा दूंगा भाई, नॉन स्टॉप रैली
आपको मैं 9630 9780 तक का आपको मैं दिखा दूंगा। तो यस, थ्री कंसेक्यूटिव, डोंट फॉरगेट, थ्री कंसेक्यूटिव क्लोजिंग प्लस वीकली क्लोजिंग अबव 9247, ध्यान से समझना, 9247 के ऊपर थ्री कंसेक्यूटिव क्लोजिंग या वीकली क्लोजिंग दे दी इसने गलती से, विल ओपन अपसाइड डोर 9630 9780। दिमाग से सुनना, बैंक निफ्टी का लेवल्स यस्टरडे अपडेटेड अबाउट लक्ष्मण रेखा एड एक्सपेक्टेड नॉट क्रॉस दैट फर्स्ट अटेम्प्ट, पहले अटेम्प्ट में क्रॉस नहीं हुआ, राइट नाउ अगेन सेइंग एनी डिक्लाइन और पैनिक सेशन बाय बैंक निफ्टी 19,256, यू हैव टू चॉइसेस, वन कीप आई ऑन माय लक्ष्मण रेखा वंस क्रॉस 21147, जो सेफ ट्रेडर है बिल्कुल सेफ करना चाहते हैं, 21170 के ऊपर आएगा तो बाई करो, अदरवाइज वंस क्रॉस देन ओनली थिंक फॉर द बाई, फुल तेजी वाला रैली अप टू, फॉर द सेफ ट्रेडर की बात कर रहा हूं, 23270 यानी कि 2000 पॉइंट का भाई, ध्यान से समझना 2000 पॉइंट, कल भी बोला था आज भी सेव लेवल है, 23530 कीप स्टॉप लॉस 20800 एंड गो लॉन्ग। और दूसरा वाला जो दूसरा थोड़ा सा लॉयन हार्ट ट्रेडर जो रिस्क ट्रेडर है, बाय नियर 20270 बाय नियर 20270 20120 विद स्टॉप लॉस 19956। ये दो चॉइस है आपके पास, आपकी मर्जी किस में आप ट्रेड करना चाहते हो। पहला पावरफुल स्टॉक सिलेक्शन अदानी पोर्ट की बात कर रहा हूं, यस अबव 276 276 इज अ लकी नंबर ऑफ माइन, अबव 276 ओनली फुल तेजी, इट्स आवर लक्ष्मण रेखा, वंस क्रॉस दिस लेवल देन थिंक फॉर द बाय विद स्टॉप लॉस 270 विल जूम टू किस 286 294। दूसरा स्टॉक सिलेक्शन सिप्ला बिलो 580 मोर पैनिक ऑन कार्ड, वंस क्रॉस एंड स्टे बिलो दिस लेवल, 580 के लेवल के नीचे रहता है, विल स्लाइड अप टू 566 552। गाइस इसमें स्टॉप लॉस नहीं दिया है, 2% का, 1.5 से 2% का स्ट्रिक्टली आपको स्टॉप लॉस फॉलो करना है, बात खत्म। डॉक्टर रेड्डी वेरी क्रूशियल सपोर्ट एट 3796, यस वंस ब्रेक दिस लेवल एंड स्टे बिलो कीप एसएल 3830 एंड ठोको पैनिक स्लाइड अप टू 3723 3670। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, यस 133 फैंसी नंबर, विल एक्ट एज अ लक्ष हर्डल, वंस क्रॉस एंड स्टे अबव 133 देन विल इट विल जूम टू किस 142 149, लास्ट हर्डल 153, देयर आफ्टर मोर फायरवर्क, दिवाली बनेगी इसमें। कॉनकॉर बिलो 370 विल पैनिक अप टू 356 348 विद स्टॉप लॉस 377, लास्ट बट नॉट द लीस्ट टेक महिंद्रा बिलो 522 सेल विद स्टॉप लॉस 527 लोअर टारगेट 507498 ये रहेगा आपका, राइट। अगर आपको मेरा ये समझ में आ रहा है गाइस, लाइक शेयर करना ना भूले और रूल्स को ये जरूर पढ़ लेना, रूल्स आपके सामने है। पहला 5 मिनट का कैंडल का वेट करो, 5 मिनट के बाद ही उसको बाई या सेल करना है, और जिसमें मैंने एसएल नहीं दिया है क्लियर कट मैक्स टू मैक्स 1.5 से 2% का आपका एसएल होना चाहिए, इसके अलावा ऐसा नहीं। और आपको जो भी ट्रेड करना है पहले कैश में ट्रेड करने की कोशिश करो, जो मैं लेवल्स देता हूँ कैश के लेवल्स दे रहा हूँ, और निफ्टी बैंक निफ्टी में फ्यूचर्स के लेवल्स देता हूँ, कैश में ट्रेड करने की कोशिश करो, जो मैंने SRM स्ट्रैटेजी दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर लेना, उसको फॉलो करना, उसके बेसिस पे काम करना, अदरवाइज अगर डर लगता है पहले देखो। और मेरे भाई जो मेरे ट्रोलर्स भाई है, मेरे भाई ट्रोलिंग से अच्छा है खुद का यूट्यूब चैनल खोलो और लेवल्स देख के दिखाओ, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, दम है लेवल्स एडवांस में यूट्यूब में डाल के दिखाओ, तब मानेंगे कितना पानी और कितना कम है, राइट। थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 12:20 का हो गया, मैंने अपना होमवर्क कर दिया है, अब आपका होमवर्क है आपको किस तरह से एनालिसिस करना है, तो इसको देखो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल ऑफ यू, स्टे होम एंड स्टे सेफ गाइस, थैंक यू।